इट इज योर मैथ्स पीरियड आई विल टीच चैप्टर 18 एंगल्स। आज मैं आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर 18 है। इसके पहले 17 चैप्टर में एक्सरसाइज 17.2 तक मैंने क्लास में करवा दिया था। आज से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो रही है। आज 18 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक। तो सभी भैया बहन ध्यान से वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर कॉपी में वर्क करेंगे, ठीक। तो देखिए, आज आपको एंगल्स के बारे में बताया जा रहा है। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स टू रे विद द सेम इन पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। दो रेस अलग अलग दिशा से जब आती हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाती हैं। जैसे एक रे इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो दोनों यहां पर आकर के मिल गई, क्या बन गया? एंगल बन गया। इसी को हम एंगल कहते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? टू रे the same end point, दोनों रेखाओं का एक ही end point होता है, from an angle, ठीक। अब देखिए, angles को हम इसके कई types होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए, यहां पर हम हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, ठीक। तो देयर आर फाइव टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल नंबर वन, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो जीरो से 90 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक। यहां लिखेंगे मेजरिंग बिटवीन 0 degree टू 90 degree, ठीक। 0 degree से और 90 degree के बीच के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। नंबर टू है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है वो 90 degree का होता है, मेजरिंग 90 degree, ठीक। ध्यान से लिखिएगा इसको। इसके बाद है नंबर थ्री ऑब्ट्यूस एंगल। इसका मेजरिंग है 90 degree बिटवीन 90 degree टू 180 degree, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नंबर फोर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसका मेजरिंग है बिटवीन 180 degree। के बाद फाइव नंबर है रिफ्लेक्स एंगल, मेजरिंग बिटवीन
तो ये फाइव टाइप एंगल है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, अब इस अगले वीडियो में आपको 18.1 जो एक्सरसाइज है वो कराई जाएगी। ठीक, थैंक यू।